समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोविड-19 के नियमों का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित करें, महामहिम आनंदीबेन पटेल। कोविड-19 नियमों का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित करें, जाति भाषा धर्म आदि से पृथक मानवता हेतु एकजुट होकर कदम बढ़ाएं। धर्म गुरु अपने अपने स्तर से अपील जारी करें। स्वच्छता फॉगिंग एवं सैनिटाइजेशन नियमित रूप से कराएं। उक्त अपील आज महामहिम माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के समस्त धर्मगुरुओं से वार्ता के दौरान कोविड-19 के आंकड़े बताते हुए सभी से संवाद स्थापित करते हुए दिया। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से नवरात्रि एवं आगामी रमजान के माह के दृष्टिगत एवं कोविड-19 महामारी के द्वितीय फेज में संक्रमण की तीव्रता से दृष्टिगत सभी से अपील की है कि सभी धर्मगुरु अपने अपने स्तर से अपील जारी करें एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही फॉगिंग एवं सैनिटाइजेशन नियमित रूप से कराया जाए। उन्होंने कहा कि हमें जाति धर्म भाषा आदि से पृथक मानवता हेतु एकजुट होकर कदम बढ़ाने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टीका उत्सव में सभी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति सजग होकर स्वयं अपने पास के केंद्र पर जाकर कोरोना टीका की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि सभी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से प्रयोग सुनिश्चित करें और स्वयं सुरक्षित रहें, साथ ही दोस्तों को भी सुरक्षित रहने हेतु प्रेरित व जागरूक करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मां फूलमती देवी मंदिर के आचार्य श्री शिखर मिश्रा, हाफिज गजुम्मन काजी सहर, रामेश्वर धाम तीरवा के महंत मुकेशानंद जी सहित अन्य धर्मगुरु उपस्थित रहे। सर, आज बीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त धार्मिक गुरुओं से एक अपील की गई है, उसके संबंध में। आज महामहिम राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया और सबसे ये अनुरोध किया गया कि सभी धर्मगुरु कोविड महामारी के दृष्टिगत जो उनका नेतृत्व है उसको उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने अपने माध्यम से लोगों को प्रेरित करें कि लोग बचाव करें, लोग आगे बढ़कर टीका लगवाएं, जिससे सामूहिक प्रयास से हम लोग इस कोविड महामारी से लड़ सकें और लोगों को इससे बचा सकें। हमने भी व्यक्तिगत रूप से सबसे सभी धर्मगुरुओं से अनुरोध किया कि वो लोग अपने अपने धर्मस्थलों से जैसे और कार्यक्रमों के लिए प्रचार करते हैं, कोविड के बारे में भी लोग प्रचार करें, लोगों को मोटिवेट करें। और सब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो लोग अपने स्तर से भी इस बारे में लगेंगे और सबको कोविड के बारे में जागरूक करेंगे। सर, धार्मिक स्थलों में लोगों के आने की विभिन्न त्योहारों में उसके संबंध में क्या निर्देश दिएगा? जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में जो शासन का निर्देश है कि एक बार में 5 व्यक्ति ही अंदर जाएंगे, वही निर्देश जो है फॉलो करने के लिए सबसे अनुरोध किया गया है, सभी को उसके बारे में अवगत कराया गया है। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।